सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल स्पाइस फॉर लाइफ में। तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया तो। बनाते हैं आज की हमारी स्पेशल रेसिपी जो कि है मटन करी। तो हमें बहुत से मैसेजेस आए इनबॉक्स में कि आप प्लीज़ कोई नॉन वेज रेसिपी शेयर कीजिए। तो हमने सोचा क्यों ना मटन बनाया जाए और आपके साथ शेयर किया जाए। तो अच्छा लगा ना हमारा आइडिया, तो बनाते हैं आज की हमारी स्पेशल सी रेसिपी। तो सबसे पहले हम लेंगे एक पैन, उसको थोड़ा गर्म कर लेंगे और उसमें ऐड करेंगे देसी घी। तो जो मटन होता है वो हमेशा देसी घी में ही अच्छा लगता है, तो हमने इसमें देसी घी ऐड किया है। और उसके बाद हम डालेंगे सूखे मसाले जैसे कि छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, दालचीनी, बे लीफ, और इसको एक मिनट के लिए पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। आप फ्लेम को मीडियम ही रखें। और फिर हम डालेंगे कटे हुए प्याज जो हमने पहले से लंबे लंबे काट के रख लिए थे। आप छोटे भी काट सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो आप इसको अच्छे से पकाएं और जब तक ये ब्राउन नहीं होते इसको अच्छे से हिलाते रहें और पकाते रहें। ये देखिए प्याजों का कलर चेंज हो गया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे गार्लिक और जिंजर, क्योंकि ये भी पकने में बहुत टाइम लेते हैं। तो इसको हम प्याज के ऑलमोस्ट साथ में ही डाल देंगे और फिर हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे तो और पकाएंगे। और इस टाइम आप जो इसकी फ्लेम है वो हाई रख सकते हैं क्योंकि हम खुद साथ में खड़े हैं, पका रहे हैं। अगर हमें ज़रूरत होगी तो हम मीडियम कर सकते हैं। तो अब ये जो मसाला है हम हाई फ्लेम पे पकाएंगे। और ये देखिए फिर हम ऐड करेंगे टमाटो जो हमने पहले ही चॉप करके रखा था, और साथ में ही हम डालेंगे जीरा। जीरा जो क्यूमिन सीड्स हैं वो इसी के साथ डाल देंगे। और फिर डालेंगे ग्रीन चिली जो हमने काट की रखी है बारीक बारीक। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और ग्रीन चिली के बहुत से फ़ायदे होते हैं और इसमें तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो इसको अच्छे से कुक करेंगे 5 to 7 मिनट्स के लिए और स्टर करते रहेंगे। और ये जो मसाला है ये हाई फ्लेम पे ही पकेगा। ये देखिए जो टमाटो है वो पानी छोड़ गया है, तो अब हम जो फ्लेम है वो मीडियम कर देंगे और इसमें ऐड करेंगे सूखा धनिया और रेड चिली पाउडर। जो रेड चिली पाउडर होता है वो टेस्ट तो अच्छा देता ही है, कलर बहुत अच्छा देता है रेड रेड। और सूखा धनिया तो मुझे हर डिश में अच्छा लगता है, तो क्यों ना इसमें डालें, क्योंकि सूखे धनिया के फ़ायदे भी बहुत है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। और आप ध्यान रखें मसाले को अच्छे से मिक्स करें और इसको अच्छे से स्टिर करें ताकि कोई लम्ब्स ना बने जैसे रेड चिली पाउडर के बन जाते हैं या सूखे धनिए के। और ये देखिए ऐसे मसाला बन गया है और थोड़ा पानी छोड़ दिया है टमाटो ने, और इसको हम और थोड़ा ढक के कुक कर लेंगे। और जब हम इसको ढक के कुक करते हैं तब आप याद रखें फ्लेम को हमेशा मीडियम रखेंगे। और ये देखिए अब हम इसमें ऐड करेंगे मटन जो हमने रॉ मटन लिया है, उसको हम इसके बीच में ऐड कर देंगे। और इसी के साथ हम डाल देंगे नमक। तो आप जो नमक है वो इसी के साथ डाल दीजिए। ये लीजिए हमने इसमें नमक और गरम मसाला दोनों ऐड कर दिए हैं। जो गरम मसाला होता है वो हम दो बार ऐड करते हैं, एक बार जब हमने ये रॉ मटन डाला है और एक बार जब ये मोर देन 80% बन जाएगा फिर हम एक चम्मच गरम मसाला तब डालेंगे। तो इससे क्या होता है कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। जो गरम मसाला पक जाता है उसका फ्लेवर सारे मसाले में आ जाता है और फिर ऊपर से जब हम और मसाला डालते हैं तो ये बहुत मसालेदार बनता है। तो इसको हम मीडियम फ्लेम पे 10 टू 12 मिनट्स के लिए कुक करेंगे। अच्छे से इसको बीच में मिक्स कर लेंगे ताकि ये सब मसालों में मटन अच्छे से मिक्स हो जाए। तो फिर हमने इसमें प्रेशर कुकर में ट्रांसफ़र कर लिया है मटन को मसाले के साथ। और इसमें हमने कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला अभी, वो जो टोमेटो ने पानी छोड़ा या मसालों ने वही है। फिर हमने डाली है चाय पत्ती। चाय पत्ती डालने के दो मकसद हैं, एक है कि ये बहुत अच्छा कलर देगा क्योंकि आपको पता है चाय पत्ती जो होती है वो कलर देती है, और सेकंड थिंग इसके मटन को पकने में हेल्प करता है ये। फिर हम इसको 4 to 5 विसल्स दिलाएंगे और फिर खोल के देखेंगे कुकर को कि जो मटन है वो कितना पक चुका है। ये देखिए कितना पानी छोड़ा है इसने, और ये देखते हैं अब हिला के कि कितना पक चुका है। और आप कभी भी सीधे विसल्स ना दिलाएं क्योंकि इसको नीचे लगने का बहुत डर होता है। तो 4 to 5 विसल्स आर एनफ फॉर वन टाइम। और फिर हम इसको अच्छे से हिलाएंगे और मिक्स करेंगे। ये देखिए हम देख सकते हैं कि जो इसका टेक्सचर है वो चेंज हो चुका है और बहुत अच्छी मसाले की खुशबू आ रही है। तो ये देखिए ऑलमोस्ट 50-60% तो ये पक चुका है, पर लेकिन हमने इसको पूरा पकाना है।
तो हम इसको अब मीडियम फ्लेम रख के अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये जो ग्रेवी में अच्छे से रस जाए और सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। और आप इसको हिलाते रहें बीच बीच में, क्योंकि ये नीचे नहीं लगना चाहिए और ये बहुत जल्दी नीचे लगता है, ये आप इस चीज़ का ध्यान रखें। और इसको अच्छे से भूनते रहें। और ये देखिए मुझे ग्रेवी कम लग रही है तो मैंने थोड़ा पानी ऐड किया है, ये आपके ऊपर है आप कितनी ग्रेवी चाहते हैं। तो मुझे ये लगा कि इसमें थोड़ी ग्रेवी कम है अकॉर्डिंग टू द मटन, क्योंकि हमने 1 kg मटन लिया है और हम मटन करी बना रहे हैं तो हमें ग्रेवी तो चाहिए, क्योंकि हम इसको राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं, चपाती के साथ भी। इसकी ग्रेवी जो होती है वो बहुत अच्छी लगती है, इसकी करी बहुत अच्छी लगती है। तो 1 glass पानी और इसमें ऐड कर देंगे हम। और ये देखिए इतनी ग्रेवी, क्योंकि जब इसको विसल लगेगी तो पानी और भी कम हो जाएगा और वो थिक हो जाती है क्योंकि। और जो सूखे मसाले हैं वो बीच में से निकाल दीजिए और इसको हाई फ्लेम पे ऐसे थोड़ा उबलने दीजिए पानी को, जो ग्रेवी है वो इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए और मटन कुक होता रहे। और फिर हम अब दोबारा से इसकी विसल लगवाएंगे, क्योंकि अभी मटन जो है वो हमारा नहीं बना। तो 2 to 3 विसल्स दोबारा से लगवाई हैं हमने। और फिर अब हम इसका प्रेशर निकाल के देखते हैं कि क्या कंडीशन है मटन की। और ये देखिए ग्रेवी का टेक्सचर भी चेंज हो चुका है, कलर भी चेंज हो चुका है। ये देखिए मुझे लग रहा है मटन भी पक चुका है। और ये लीजिए मटन तो ऑलमोस्ट रेडी लग रहा है मुझे। ये आप ध्यान से देखिए इसकी ग्रेवी भी प्रॉपरली कुक हो चुकी है, कहीं भी इसका कलर या टेक्सचर में ऐसे नहीं लग रहा कि ये कुक्ड नहीं है। और इवन जो इसके पीस हैं वो भी अच्छे से बन चुके हैं। मटन करी इज़ रेडी नाउ। तो इन्जॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ, इसको चपाती के साथ सर्व कीजिए, राइस के साथ सर्व कीजिए या नान के साथ, बहुत अच्छी लगने वाली है। घर में ही बनाइए बाजार जैसा मटन करी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अ वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।